विमेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम इस कॉर्नर में क्या बात करेंगे, सबसे पहले बड़ी खबर, मेग लैनिंग रिटायरमेंट ले चुकी हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से। बांग्लादेश एक और श्रृंखला अपने घर में जीत चुकी है। मुंबई ने भी मेडन T20 टाइटल जीत लिया है, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। और हमारा कप्तान हरमनप्रीत कौर वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो क्या कर रहा है, इन सब पे नजर रहेगी। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में और वुमेन्स कॉर्नर के अंदर। सबसे बड़ी खबर मेग लैनिंग, जो ऑफ कोर्स आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। WPL खेलेंगी, WBBL खेलेंगी, लेकिन हमारे पास इंडिया में तो वो जरूर आएंगी, तो वो ड्राइव्स और कट्स देखने को मिलेंगे। अब मेग लैनिंग एक ऑफकोर्स फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, लेकिन मैं उनको तब से देख रही हूँ जब उन्होंने डेब्यू किया था, और एक मैच मुझे याद है, आई थिंक उनका शायद पहला शतक था, दूसरा भी हो सकता है, पर मुझे पहला जरूर याद है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब मैं कप्तान थी भारतीय टीम की, हमारे विरोध उन्होंने लगाया था। एक ही मौका दिया था उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर शॉट, एक्स्ट्रा कवर के पास कैच किया था, थोड़ा सा ऊपर से निकल गया था, तो चांसलेस भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। जो शतक उन्होंने लगाया था, मैं मिड ऑन पर खड़ी थी और बहुत देर तक एडमायर कर रही थी इस खिलाड़ी को कि ये कितना टाइम है इस प्लेयर के पास अपने शॉट्स खेलने के लिए, अपने शॉट्स को प्लेस करने के लिए, फ्रंट फुट का बॉल, बैक फुट का बॉल, फ्रंट फुट बना के सिंगल एंड टूज खेलने के लिए, एंड दैट इज़ मेग लैनिंग फॉर यू। दैट इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मेग लैनिंग, दैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले हर स्ट्रोक्स एंड शी इज़ अ क्लास बैटर। वो बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात बता रही हूँ, लेकिन 2023 के अंदर आके, हालांकि 13 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन जो उन्होंने क्लास इनिंग्स खेली हैं, मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, वो उनके आंकड़े ही बतलाते हैं। Now, what makes Meg Lanning so special? Well, of course, the titles that she has earned. वैसे तो 7 बार विश्व कप जीती है ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसमें वो शामिल रही है, लेकिन एज अ कैप्टन 4 विश्व कप T20s, 1 50 ओवर विश्व कप जो हाल ही के अंदर न्यूजीलैंड में जीती थी, ये सारे टाइटल्स बतौर कप्तान। उनके रन देख लीजिए, उनके इंडिविजुअल रन्स पे नज़र डाल लीजिए और उनके रन्स एज कैप्टन नज़र डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना? जी हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी कैप्टनसी के अंदर आ गई थी, लेकिन कैप्टनसी के अंदर आने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई डिप नहीं आया, और वो जो कहते हैं ना एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी लव्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी टुक इट ऑन हर शोल्डर्स, कि जब मैं कैप्टनसी करूँ तो 11 या मेरे अलावा 10 खिलाड़ी अंदर हैं, और जब मैं बैटिंग करूँ तो मैं अकेली हूँ, मुझे पता है मैच कैसे जिताना है। वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स ऑफ मेग लैनिंग, वेल, कवर ड्राइव, बैक फुट पंच, स्पेशली द शॉट्स दैट शी प्लेसेस बिटवीन कवर्स एंड पॉइंट, पॉइंट एंड बैकवर्ड पॉइंट, बहुत ज़्यादा समय है, बहुत जल्दी लाइन पिक करती हैं, एंड दैट्स वॉट मेक्स मेग लैनिंग सो स्पेशल। सो इंटरनेशनल क्रिकेट विल मिस हर, डोमेस्टिक क्रिकेट विल नॉट मिस हर, एंड वो सारे इंटरनेशनल कैप्टन्स जो सोचते थे कि मेग लैनिंग के आते टीम एक अलग लेवल पर चली जाएगी, कैन ब्रीद अ लिटिल ईजी, बिकॉज इन इंटरनेशनल क्रिकेट शी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, बट इन डोमेस्टिक क्रिकेट, स्पेशली इन WPL, वी विल वेट फॉर मेग लैनिंग एंड अनदर गुड नॉक फ्रॉम हर फॉर हर फ्रेंचाइज। अब श्रृंखला बड़ी इंटरेस्टिंग थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और एक एक के बराबरी के बाद वापस बांग्लादेश ये ज़रूर सोच रहा था कि पहले उन्होंने इंडिया के साथ श्रृंखला टाई करी, कम से कम एक एफर्ट मारा, और फिर पाकिस्तान को थोड़ा सा परेशान ज़रूर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग रहा मैच, हालांकि हाई स्कोरिंग नहीं था, विकेट बढ़िया थी, लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबला फिर से देखने को नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान कैसे एडजस्ट करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे मैनेज करेगा, और निदादार कप्तान अकेले कितना काम करेंगी, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबिलिटी ज़रूर आया था टोटल के अंदर, 170 से कम का ही टारगेट था, लेकिन फिर भी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत बढ़िया थी बांग्लादेश के लिए, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म सेट कर गई थी चेज़ के लिए, लेकिन पिंकी को उन्होंने मौका ज़रूर दिया था, एक मौका दिया था जो कि उस समय बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को वो कैच पकड़ना चाहिए था, नहीं पकड़ा, और वहां से उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। ज़्यादा रन्स बोर्ड पे थे नहीं, लेकिन थोड़ा सा दबाव चेज़ में रहता है, लेकिन जब कप्तान है ना तो फिर क्या चिंता है, कप्तान को तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। पहले एक बार ही सुपर ओवर में मैच जिताया था, अब आखिरी रन चेज़ में भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, दैट्स इमेंस कंट्रीब्यूशन, एंड मैं हमेशा मानती हूँ कि जिस तरीके से शी इज़ बीन लीडिंग द टीम ज्योति, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एक और श्रृंखला उनके नाम। लेकिन एक और प्लेयर है जो T20 में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी, वनडे में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी, नाहिदा अख्तर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाउ कंसिस्टेंट इज शी। भले ही बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता है, लेकिन अपने घर में मेंस क्रिकेट को हमने देखा है कि डोमिनेट कर रहा है, वुमेन्स क्रिकेट के अंदर भी क्या ये शुरुआत है वुमेन्स क्रिकेट की, कि अपने घर में वो बहुत मुश्किल टीम है टू बीट, ये अपने घर में शेयर है, सो एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख करेंगे, जेमिमा रॉड्रिक्स हैज लेड हर टीम मुंबई टू देयर फर्स्ट
सीनियर वुमेन्स टाइटल T20 टूर्नामेंट के अंदर, एंड एज अ कैप्टन शी इज लेड द वे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही, सबसे ज्यादा रन भी उनके नाम रहे. ऑफकोर्स 10 इनिंग्स थी, लेकिन 400 से अधिक रन, इनफैक्ट 473 रन उन्होंने बनाए. सो दैट्स नॉट अ स्मॉल फीट, क्योंकि कप्तानी, ओपनिंग द इनिंग्स एंड विकेट खोने के बाद, हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, उत्तराखंड से भी एकता बिष्ट कप्तान थी और वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, उनको भी पता था कि अगर टॉस जीत के जैसे जमीमा ने उनको बोला बैटिंग करने के लिए तो एक टारगेट डालना पड़ेगा, टारगेट डाल नहीं पाए, लो स्कोरिंग अफेयर था. लेकिन स्टिल आई स्टिल से द क्रेडिट मस्ट गो टू मुंबई टीम एंड फॉर जमीमा. इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि उन्होंने अपनी टीम को लीड करते हुए टाइटल दिलाया, एंड आई एम श्योर जो एक्सपीरियंस T20 का वो फॉरेन लीग से लेती भी आई हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पास ऑन कर रही हैं, उनके आसपास हुमैरा काजी भी हैं, सिमरन शेख भी हैं, जो पूरी टीम अब डेवलप हो रही है ना, दैट विल ओनली सर्व गुड फॉर इंडियन क्रिकेट इन द कमिंग ईयर्स. गेंदबाजों में भी ऐसा नहीं है, साइका इशाक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो बंगाल से खेलती है. मुंबई से हारी जरूर थी बंगाल, लेकिन साइका इशाक डज फिनिश अप एज अ लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट. अगेन वेरी गुड साइंस फॉर हर फ्रेंचाइज मुंबई दैट एटलीस्ट शी इज इन गुड फॉर्म. और इट्स जस्ट द स्टार्ट, धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है ना, फ्रॉम WPL टू डोमेस्टिक क्रिकेट टू फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट टू WPL एंड होपफुली अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर लिखता है तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट. सो इट्स वेरी गुड towards Indian cricket that the younger generation or the youngsters are coming through. कप्तान की बात कर लेते हैं. कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑफ कोर्स शी इज इन ऑस्ट्रेलिया नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट, बट टीम भले ही नीचे लगी हुई हो मेलबर्न रेनेगेड्स के, पर हमारा कप्तान जो है वो रन्स कर रहा है. 41 प्लस के एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम ही है, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स नाइस कि 250 से ऊपर रन बना चुकी हैं. सो कम से कम एज अ बैटर जो है उनकी फ्लुएंसी चल रही है, क्योंकि वहाँ से जैसी वापस आएंगी ना, घर में उनके सामने इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की चुनौती रहेगी. मुंबई में ही मैचेस हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन इन फॉर्म इज ऑलवेज गुड, जमीमा रॉड्रिक्स इन फॉर्म इज ऑलवेज गुड. तो कप्तान जो है ना हर जगह शाइन कर रहे हैं, बस एक हमारा कप्तान है रोहित शर्मा, बस वो भी साथ साथ शाइन करते जाए और भारतीय टीम शाइन करते जाए, हमारा बस इतना सा ही ख्वाब है, ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते. आपसे भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, हमसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप लाइक कॉमेंट शेयर करिए और सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट दबाइए सब्सक्राइब करने पर, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स.